हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विक कुमार, आप सभी के लिए, जितने भी सीएससी वाले हैं सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो टेली लॉ का पेमेंट के लिए आप सब लोग बेचैन थे, वो टेली लॉ का पेमेंट अभी आ चुका है। जस्ट 10 मिनट पहले, इनफैक्ट आधा घंटा हो चुका है। मैंने अभी जस्ट पे आउट भी कर लिया उस पेमेंट को। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना पेमेंट आया और क्या आया है। तो इसके लिए सबसे पहले ये मेरा देख सकते हैं डी जी पे लॉगिन है, और मैं पासबुक सेक्शन में जाता हूं अपना। पासबुक सेक्शन में जब रिफ्रेश हो जाएगा पेज, तो वहां पे आपको मैं पेमेंट दिखा दूंगा लाइव बिल्कुल प्रूफ के साथ। और टेलो की सर्विस बहुत अच्छी है, मैंने बार बार बोला है टेलो की सर्विस को आप किया कीजिए, बहुत अच्छी सर्विस है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ये 8 मई 2021 5:05 अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:46 मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 5:05 ये जो पेमेंट आया है मार्च महीने का है, यानी कि अप्रैल का पेमेंट अभी बाकी है। तो अप्रैल का पेमेंट मोस्ट 15 या 16 तारीख तक आ जाएगा, 100% श्योर है। तो पेमेंट मेरा कितना आया देख सकते हैं, 1577 रुपये पेमेंट आया हुआ है मेरा टेलो का। मैंने मार्च में केस रजिस्टर तो ठीक ठाक किया था, बट मेरा एडवाइस इनेबल नहीं हो पाया था। मेरे टोटल 4 केसेस एडवाइस इनेबल हुए थे, जिस वजह से मेरा पेमेंट सिर्फ इतना आया। तो आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप अभी अगर 6-7 केस भी रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपका जो PLV का पैसा है 1500 रुपये, वो 100% आ जा रहा है। और जो 4 केसेस का पैसा मेरा एडवाइस इनेबल हुआ था, उसका पेमेंट भी TDS कटने के बाद जो है वो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ के साथ। मैंने कोई चीज़ हाइड नहीं किया है, आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, और कुछ हाइड करने वाली चीज़ भी नहीं है। तो एक तरह से CSE में ये ठीक है, थोड़ा लेट हुआ पेमेंट, बट anyway, पेमेंट आ चुका है। इनफैक्ट PMJ दिशा का भी पेमेंट आ गया था, उसका मैंने वीडियो बना के दिया हुआ था। और उसके अलावा अभी आप देखते हैं अप्रैल महीने का पेमेंट, 20 या 22 तारीख तक अप्रैल महीने का भी पेमेंट आ जाना चाहिए। एक पेमेंट और पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो है आपका ICICBC का पेमेंट, जो कि अभी तक नहीं आया। तो होपफुली जो मैंने मेल किया था, जो बात हुई थी मेरी CSE के अधिकारियों से, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने बोला है कि उनका प्रोसेसिंग कर रहे हैं पेमेंट का। तो होपफुली वो भी 15 या 16 तारीख तक पेमेंट आ जाएगा ICICBC का भी। जो जो ICICBC चला रहे हैं, उन सभी का पेमेंट आ जाएगा 20 तारीख के पहले पहले। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा आप सभी को जानकारी दे देनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो भी बना दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।